हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डीप। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को कॉलेज की छत से कूदकर सुसाइड करते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें एक नरेशन में बताया जाता है कि हमें ये तो पता है कि इंसान के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि एक इंसान कब तक बिना सोए रह सकता है। ये कहानी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती है। नरेशन के बाद हम प्रोफेसर निक को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को इंसोमनिया के बारे में बता रही होती है। इंसोमनिया यानी स्लीपलेसनेस या नींद का कम आना। प्रोफेसर निक बताती है कि आजकल के लोग स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन की वजह से कभी कभी हफ्तों या महीनों तक सो नहीं पाते। एक आम इंसान अगर 3 हफ्तों तक ना सोए तो वह हेलुसिनेट करने लगता है, यानी उसका दिमाग उसके सामने भ्रम पैदा करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होने के बाद हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं। जेन के माता पिता की डेथ बचपन में ही हो गई थी, इसलिए अभी भी वो अपनी छोटी बहन जून और अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहती है। उम्र ज्यादा होने की वजह से उसकी ग्रैंड मदर ज्यादातर बीमार रहती हैं। जेन को अकेले ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है, इसीलिए वो काफी टेंशन में रहती है। साथ ही में वो अपने पढ़ाई के शेड्यूल को भी काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इतना सब करने के बाद उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसको भी जेन को अकेले ही संभालना पड़ता है। पढ़ाई करना, रेस्टोरेंट चलाना, दादी की देखभाल करना, ऊपर से उनका कर्ज, क्योंकि वो अभी तक घर का लोन पे नहीं कर पाई थी। जेन अकेले ही इतना सब कुछ मैनेज करती है, ये सब उसके लिए काफी स्ट्रेसफुल होता है। लगातार लंबे समय से स्ट्रेस के चलते वो अब इंसोमनिया से सफर कर रही होती है। इतनी परेशानियों के चलते जेन कॉलेज जाकर प्रोफेसर निक से कॉलेज छोड़ने की बात करती है, लेकिन प्रोफेसर निक उसको समझाती है कि लोगों को बड़ी मुश्किल से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, और अगर तुमको पैसों की सच में जरूरत है तो कॉलेज में लैब असिस्टेंट की जॉब खाली है। मगर जेन उस जॉब को नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसमें सैलरी बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। जेन की हालत को समझते हुए प्रोफेसर निक उसे एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी का कार्ड देते हुए बताती है कि वो लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें वॉलंटियर चाहिए। शायद हो सकता है कि ये तुम्हारे काम आ जाए, और इसके लिए वो अच्छा पे भी कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेन को एक वीडियो के द्वारा द डीप नाम के प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। इस प्रोग्राम में टोटल 3 स्टेजेस होंगी। दरअसल रिसर्चर्स ये पता करना चाहते हैं कि एक बंदा कितने दिन तक बिना सोए रह सकता है या फिर खुद को जगाकर रख सकता है। तभी हम डॉक्टर हैंस मिलर को आते हुए देखते हैं। डॉक्टर हैंस जेन से कुछ सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब के बाद डॉक्टर हैंस जेन से पेपर पर साइन लेकर उसके अंदर एक चिप डाल देते हैं। इन पेपर्स पर एक एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि जेन जाने अनजाने में कभी भी किसी को भी इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बता सकती, वरना उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर हैंस एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी इंसान के सोने की वजह होती है मेलाटोनिन हार्मोन, जबकि उसके जागने की वजह क्वेरेटोनिन हार्मोन होती है। ये चिप जो अभी अभी डॉक्टर ने जेन के अंदर इंसर्ट की है, उसका काम जेन की बॉडी में बनने वाले क्वेरेटोनिन को इकट्ठा करना है। साथ ही डॉक्टर उसको एक वॉच देते हैं और बताते हैं कि इसके 100% कंप्लीट हो जाने पर तुरंत मेरे पास आ जाना, और जब तक ये 100% ना हो जाए तब तक सोना बिल्कुल भी मत, और अगर तुम गलती से भी 1 मिनट से एक भी ज्यादा सेकंड सो गई तो ये चिप शॉर्ट सर्किट कर जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। 100% होने में इसको 1 से 2 दिन का समय भी लग सकता है। इस टास्क के लिए जेन को 1 लाख थाई भात मिलेंगे, यानी तकरीबन 2,30,000 के आसपास। अगले दिन जेन घर का काम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि क्वेरेटोनिन का लेवल 42% हो चुका है। आज उसका ये पहला दिन है। अपना काम खत्म करके जेन अपने ग्रैंडमा के पास आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जेन की छोटी बहन जून भी आ जाती है। आज उसको घर आने में काफी लेट हो गया था, इसलिए जेन उस पर नाराज हो जाती है। अगली दोपहर लंच के समय हम विन नाम के एक बंदे को देखते हैं। विन जेन से मिलकर डीप प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जेन उसको बताती है कि हमें इस बारे में बात करने से मना किया गया है, तो फिर तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। जिस पर विन उसको बताता है कि जो लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं, वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। दरअसल विन को भी प्रोफेसर निक ने ही इस कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। तभी हम सिन को देखते हैं, जो इंस्टा फैशन ब्लॉगर और इंस्टा पर काफी फेमस है, यानी उसके कई सारे फॉलोअर्स हैं। उसको शुरुआत से ही मेडिकल लाइन में नहीं आना था, लेकिन सिन के घर के सभी लोग इसी फील्ड से हैं, इसीलिए उसको मजबूरी में ये मेडिकल कोर्स करना पड़ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीच जो एक गेमर है, उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है, गेम खेलना। बहुत ज्यादा गेम्स खेलने की वजह से और हमेशा सबसे अलग रहने से उसकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल, यानी लोगों से बातचीत करने का तरीका काफी खराब हो चुका है। उसको लोगों से ठीक से बात करना तक नहीं आता। सभी लोग आपस में मिलकर डिस्कस करते हैं कि वो गलती से भी सो नहीं सकते, अगर सो गए तो मारे जाएंगे। देखते ही देखते
कुछ ही समय में सभी लोगों का क्वेरेटोनिन लेवल 100% हो जाता है। सभी लोग डॉक्टर के पास जाकर अपना चिप निकलवा लेते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। जल्द ही पैसे लेकर सभी लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं। जेन अपने घर का लोन भर देती है। इसके साथ ही वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी है। एक बार फिर से चारों लोग बोलिंग क्लब में मिलते हैं, जहां जेन सबसे पूछती है कि अगर इस बार डॉक्टर हैंस हमें एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाएंगे तो क्या तुम लोग जाओगे। इस पर विन कहता है कि क्यों नहीं, इस बार तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जेन को इस बात की चिंता है कि इस बार उनको और भी ज्यादा जागना पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग अपने घर वापस लौट जाते हैं। जेन अपनी छोटी बहन को एक फोन गिफ्ट करती है, क्योंकि उसका फोन टूट गया था। जेन की छोटी बहन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस पर जेन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो चारों लोग एक बार फिर डॉक्टर हैंस के पास पहुँच जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इस बार उन्हें और ज्यादा क्वेरेटोनिन चाहिए। इसके लिए उन्हें लगभग 5 दिन तक जागना पड़ेगा। इसके बदले उन सबको 5 लाख भात यानी तकरीबन 10,30,000 रुपए मिलेंगे। इस बात को सुनते ही सभी लोग मान जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके लिए वो चाहकर भी मना नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं। आज 3रा दिन है और पीच गलती से सो जाता है, लेकिन तभी घड़ी का अलार्म 0 होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो सो नहीं सकता है। उसका क्रेटोनिन लेवल अभी सिर्फ 32% है। वहीं दूसरी ओर विन, जिसका क्रेटोनिन लेवल 44% है, उसको नींद की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं। विन स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हुए बीच ग्राउंड में गिर जाता है। उधर घर पर जेन भी काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि 3 दिन पूरे होने वाले हैं और उसका क्रेटोनिन लेवल सिर्फ 34% पर है। घर पर जेन की छोटी बहन गिटार बजा रही होती है, तभी जेन को उस पर गुस्सा आ जाता है। ये देख उसकी छोटी बहन उससे पूछ लेती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जेन इसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेन के जाने के बाद उसकी बहन के हाथ में डॉक्टर हैंक का कार्ड लग जाता है। अगली सुबह अपने कॉलेज में एक बॉडी पर काम करते हुए जेन को अपनी ग्रैंडमा दिखाई देने लगती है। दरअसल ये सब जागने की वजह से हो रहा है। ज्यादा जागने की वजह से हमारा दिमाग हेलुसिनेट करने लगता है। ये देख जेन काफी घबरा गई थी। लंच ब्रेक में सभी दोस्त मिलकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये क्रेटोनिन लेवल 100% तो छोड़ो, अभी तक 50% भी नहीं हुआ है। तभी जेन की नजर विन की वॉच पर पड़ जाती है और वो नोटिस करती है कि उसका क्रेटोनिन लेवल 52% हो चुका था, जो कि उन समय सबसे ज्यादा है। फिर जेन उससे पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट करते हो, जिस पर विन हाँ कहता है। इससे जेन समझ जाती है कि हो ना हो क्रेटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाना होगा। जेन की बातें सुन विन सबको पूल पार्टी का आइडिया देता है और इसके कुछ समय बाद सब लोग मिलकर पीच के घर पर पार्टी करते हैं। पीच का घर काफी अच्छा होता है, जहाँ पर वो लोग काफी ऊंचाई से कूद रहे होते हैं ताकि उनका क्रेटोनिन लेवल बढ़ सके। दूसरी ओर नींद ना आने के लिए विन सबके लिए एक मॉकटेल बनाता है। साथ ही उसने मॉकटेल में कुछ मिला भी दिया था ताकि सभी की नींद उड़ जाए। ड्रिंक को पीते ही जेन पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और सबके सामने अजीब तरह से डांस करना शुरू कर देती है। उसको देख वहाँ मौजूद सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी सिन को कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो वो आवाजें उसे ही बुला रही हो। वो जाकर देखती है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी ही वीडियो चल रही होती है। इसको देखकर वो शॉक रह जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दीवार के चारों तरफ सिर्फ उसके फोटोज लगे हुए थे, वो भी बहुत सारे। उन फोटोज में लगभग उसकी लाइफ का हर एक मोमेंट मौजूद होता है। सिन को लगता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। ये इंसान पीच होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीच उसको शुरुआत से पसंद करता है। ये सब देख सिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। पीच उसको होश में लाने की बहुत कोशिश करता है। तभी विन वहां पर आता है और पीच को डांटते हुए कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। और तभी एकदम से लास्ट सेकंड में सिन को फाइनली होश आ जाता है। ये देख वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर वो 1 सेकंड और लेट हो जाती तो शायद वो मारी जाती। सिन के होश में आने के बाद वो सब लोग नोटिस करते हैं कि उनका क्रेटोनिन लेवल 100% हो चुका है। अगले दिन सभी लोग डॉक्टर हैंक के यहाँ जाकर उनको मना कर देते हैं कि वो लोग अब ये सब और नहीं कर सकते। डॉक्टर हैंक उनको बताते हैं कि आज से पहले किसी ने भी इसे तुम लोगों से अच्छा नहीं किया है। साथ ही कहते हैं कि अगर तुम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हो तो तुम्हें इसके लिए 10 लाख भात दिए जाएंगे, यानी कुछ 20 लाख रुपए, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पर कल रात के इंसिडेंट से सभी लोग काफी डर चुके हैं, क्योंकि उनके दोस्त की जान जाते जाते बची है, इसलिए कोई भी उनकी बातों को नहीं मानता। घर आकर सभी लोग सबसे पहले आराम से सोकर अपनी नींद को पूरा करते हैं।
अगले दिन पीच सिन से माफी मांगने की कोशिश करता है। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो काफी डरा और सहमा हुआ होता है। पीच सिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको माफ कर दे, उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन सिन भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। मन ही मन में वो सोचती है कि ये कैसा साइको इंसान है जो इतने दिनों से मुझको डरा रहा है और कहने पर भी नहीं जा रहा। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर निक जेन को बताती है कि इस बार उसके ग्रेड काफी कम आए हैं और अगर ये एक्सपेरिमेंट की वजह से है तो तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम पैसा तो बाद में भी कमा सकती हो। यहाँ जेन उनको बताती है कि उसने ये काम छोड़ दिया है। बाहर आते ही विन जेन से मूवी देखने के लिए साथ चलने को कहता है, जिस पर जेन उससे पूछती है कि तुमने बाकियों से क्यों नहीं पूछा। धीरे धीरे जेन उसकी बातों से समझ जाती है कि विन उसको डेट पर साथ चलने को कह रहा है। लेकिन जेन इस बात से नाराज हो जाती है और उसको मूवी के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। दरअसल जेन के ऊपर अपनी छोटी बहन और अपनी ग्रैंडमा की जिम्मेदारी है, इसीलिए वो इन सब में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती है। तभी वो लोग एक एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं। जेन नोटिस करती है कि एम्बुलेंस से आए बच्चे के हाथ में वही डीप एक्सपेरिमेंट वाली घड़ी है। घड़ी में बच्चे की हार्ट रेट जीरो हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका है। जेन तुरंत समझ जाती है कि हो ना हो ये बच्चा एक मिनट से ज्यादा सोने की वजह से मारा गया होगा। शाम को घर पर जेन की ग्रैंडमा अचानक बेहोश हो जाती है। जेन जल्दी से उनको अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस हॉस्पिटल की फीस भर पाए, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमा को शिफ्ट करने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी छोटी बहन बहुत सारे पैसे लेकर आ जाती है, क्योंकि उसने भी डीप प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। ये जानकर जेन उस पर काफी नाराज होती है और उसको डांट लगाते हुए बताती है कि एक इंसान की जान चली गई इस एक्सपेरिमेंट के चलते, इसीलिए तुम इसको छोड़ दो। लेकिन उसकी छोटी बहन नहीं मानती, वो भी अपनी फैमिली की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हम विन को देखते हैं जो अपने घर में अपनी मॉम का रूम चेक करता है। वो नोटिस करता है कि उसके फादर ने उसकी मॉम की सभी चीजें रूम से हटा दी है। विन अपने फादर पर बहुत नाराज होता है और उनको बहुत भला बुरा कहने लगता है। दूसरी ओर जेन जब घर वापस आती है तो उसको अपनी बहन बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। जेन गुस्सा होकर डॉक्टर हैंक की लैब में पहुंच जाती है। वहां पर उसकी बहन भी होती है। जेन डॉक्टर हैंक से कहती है कि अगर उन्होंने उसकी बहन के अंदर से वो चिप नहीं निकाली तो वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। डॉक्टर हैंक उसको याद दिलाते हैं कि तुमने ही पेपर्स पर साइन किए हैं कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, वरना तुम्हें मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ डॉक्टर हैंक उससे कहते हैं कि अगर तुम और तुम्हारे दोस्त लेवल 3 के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी बहन के अंदर से चिप निकाल दूंगा। जेन जल्द ही सबसे मिलकर उन्हें सारी सिचुएशन समझाते हुए डीप लेवल 3 के लिए चलने को कहती है। साथ ही में वो बताती है कि उसकी छोटी बहन का डीप लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है और ये कितना डिफिकल्ट है ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जेन की बात सुनकर विन तो तुरंत मान जाता है, लेकिन सिन और पीच इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में उनके साथ हुआ था उससे वो काफी डर चुके हैं। जेन उनको समझाती है कि मुझको पता है कि नेक्स्ट लेवल और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेरी बहन अभी बस एक छोटी बच्ची है और हम तो बड़े हैं, कैसे भी करके कोई रास्ता निकाल ही लेंगे इसको कंप्लीट करने का। लेकिन सिन और पीच फिर भी नहीं मानते, जो कहीं ना कहीं सही भी है। जिस खौफनाक मंजर से होकर वो लोग गुजरते हैं वो सच में दर्द देने वाला था। विन सिन को बताता है कि अगर उस दिन जेन नहीं होती तो शायद तुम आज यहाँ पर नहीं बैठी होती, उस दिन तुम्हारी जान जेन नहीं बचाई थी। मगर ये सुनकर सिन वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन जेन, उसकी छोटी बहन और विन डॉक्टर हैंक के लैब में जा पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि पीच पहले से वहाँ पर मौजूद है। दरअसल जेन को ऐसे बीच में छोड़कर जाने की वजह से वो अपने अंदर गिल्ट फील कर रहा था। देखते ही देखते सिन भी पीछे से आ जाती है। चारों दोस्त लेवल 3 में एनरोल करके प्रोफेसर निक के पास पहुंचते हैं मदद के लिए। प्रोफेसर निक उनको एक इंजेक्शन देती है जिससे वो सभी लोग अलर्ट रहेंगे। हालांकि प्रोफेसर निक को इसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उनके बताने के कारण ही वो लोग इस मुसीबत में पड़ गए हैं। इसीलिए प्रोफेसर निक रहने के लिए उन्हें अपने फादर का घर दे देती है, ताकि चारों लोग मिलकर एक दूसरे का ध्यान रख सके। एक दिन गुजर चुका होता है और क्रेटोनिन लेवल अभी सिर्फ 5% तक ही पहुंचा है। अगले दिन वो फिर से वही इंजेक्शन लगवा लेते हैं जिससे वो एक्टिव रहे। ऐसे करके अब 3 दिन गुजर चुके हैं और क्रेटोनिन लेवल सिर्फ 29% है। धीरे धीरे बड़ी हिम्मत के साथ उनके 5 दिन बिना सोए बीत जाते हैं। आज 6वें दिन पीच अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है, तभी उसे गेम में चलने वाली गोलियों की आवाज पीछे के दरवाजे से आने लगती है। डर के मारे वो साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं सिन अपने चेहरे को शीशे में देखकर नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। विन एक सपना देखता है जिसमें उसकी मॉम उसको अपने पास आने के लिए आवाज देती है। दूसरी ओर जेन को अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट याद आ जाता है।
वो मुड़कर बगल में देखती है कि उसकी छोटी बहन मर रही है। धीरे धीरे 6 दिन तक ना सोने की वजह से चारों की हालत खराब हो रही थी। दरअसल ये सब उनके साथ हो नहीं रहा था, वो लोग बस हेलुसिनेट कर रहे होते हैं, उनका दिमाग ही उनके सामने भ्रम पैदा कर रहा होता है। तभी जेन की छोटी बहन आकर उसको हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है। दूसरी ओर सिन भी अपने बाथरूम का शीशा तोड़ देती है। सिन आकर जेन पर बहुत नाराज होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं, अब मैं फैशन ब्लॉगिंग कैसे करूंगी। तभी विन आगे आकर सिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिन उल्टा उसको ही भला बुरा कह देती है। पीच और सिन आपस में बहस करने लगते हैं और देखते ही देखते ये बहस लड़ाई में बदल जाती है। जेन प्रोफेसर निक को ऑफिस में बुलाने चली जाती है। वो देखती है कि उनके ऑफिस में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। टेबल पर जर्मन कंपनी का कार्ड पड़ा हुआ था, साथ ही एक रिज्यूम फाइल मिलती है जिसके अंदर डॉक्टर हेंस की डिटेल मौजूद होती है। जेन तुरंत समझ जाती है कि ये सब प्रोफेसर निक करवा रही है। दरअसल डॉक्टर हैंक तो बस एक प्यादा है, इस खेल की असली मास्टर तो प्रोफेसर निक है। जल्द ही जेन ये सारी बात अपने बाकी दोस्तों को भी बता देती है। इसीलिए वो लोग पुलिस को मदद के लिए कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह से वो लोग ऐसा भी नहीं कर पाते। जल्द ही सब लोग नोटिस करते हैं कि जेन ने दरवाजे को भी बाहर से लॉक कर दिया है, जिस वजह से वो लोग अब यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। गुस्से में आकर सिन वहाँ के सभी कैमरास को तोड़ देती है। उधर विन की हालत बहुत खराब हो रही होती है और देखते ही देखते विन वहीं पर बेहोश हो जाता है। विन की बिगड़ती हालत देख प्रोफेसर निक तुरंत वहां पर आ जाती है और विन को अपने साथ ले जाकर उसके अंदर से चिप निकाल देती है। तभी बाकी के सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर निक पीछे मुड़कर देखती है, विन पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो लोग प्रोफेसर निक को बताते हैं कि उन्होंने विन को एक ऐसा सीरम पहले ही दे दिया था जिससे टेम्पररी कार्डियक अरेस्ट आता है। ऐसा करके वो सभी प्रोफेसर निक से बच जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर निक उन्हें जेड के बंदे से मिलवाती है जो कोमा में है। दरअसल जेड वही बंदा है जो कहानी की शुरुआत में कॉलेज बिल्डिंग से कूद गया था। वो स्लीपलेसनेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और काफी लंबे समय से ना सोने की वजह से हेलुसिनेशंस के चलते बिल्डिंग से कूद जाता है। काफी रिसर्च के बाद प्रोफेसर निक को बॉडी से क्रेटोनिन निकालना आ जाता है, क्योंकि इसकी मदद से वो जेड को होश में ला पाती है। लेकिन अभी भी सभी बच्चे उनसे नाराज हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनमें से किसी की भी जान जा सकती थी। प्रोफेसर निक बताती है कि इसलिए मैंने तुम सबको एक जगह पर रखा ताकि किसी भी इमरजेंसी में आकर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दरअसल प्रोफेसर निक किसी भी तरह से जेड को होश में लाना चाहती थी, क्योंकि वो उसको पसंद करती है। जेन पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी प्रोफेसर निक उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। जेन की हार्ट बीट लो हो रही होती है, लग रहा है कि वो लोग उसको आज खो देंगे। सभी लोग मिलकर प्रोफेसर निक को हरा देते हैं। हालांकि सभी मिलकर जेन को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हार्ट बीट 0 हो जाती है। सब काफी दुखी हो जाते हैं। तभी अचानक जेन को होश आ जाता है और वो बच जाती है, जिसके बाद वो सब मिलकर प्रोफेसर निक को अरेस्ट करवाकर अपने अंदर लगी चिप को निकलवा लेते हैं। और ऐसा करके उन्हें लेवल 3 की कोई पेमेंट नहीं मिलती। जिसके कुछ समय बाद का हमको सीन दिखाया जाता है, जहां पर विन के फादर उसकी मॉम का सारा सामान वापस ले आए हैं। वहीं सिन ने मेडिकल कोर्स को छोड़कर कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया है। जेन के घर के हालात भी सुधर चुके हैं। साथ ही पीच को ये समझ आ चुका है कि वर्चुअल वर्ल्ड से अच्छे रियल लाइफ फ्रेंड्स होते हैं। इसी शानदार से मैसेज के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में हम समझ पाते हैं कि अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को डिस्टर्ब करने से हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रोफेसर निक ने जो भी किया वो किसी को सही और किसी को गलत लग सकता है, ये सबकी चॉइस है। लेकिन मेरा मानना है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालना गलत है। डॉक्टर निक सच बताकर भी उनसे ये काम करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने झूठ का सहारा लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।